नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। यह 9 अप्रैल 2021 का नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन महानंदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में यह जारी किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के 3 माह इस सेवा के लिए मांग पत्र दोस्तों यहाँ पर जो है भर्ती दिया गया है। यहाँ पर राज्य आपदा मोचन निधि में 3 जिले यानी कि जिलों में 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित संविदा दर पर, जिसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट से कार्य लिए जाने के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 631-83-86-2020-17-2 नवा रायपुर अटल नगर 23-3-2021 के द्वारा 1625 पदों के अनुमति प्रदान किया गया था। लेकिन दोस्तों अब उपयुक्त संदर्भ पत्र क्रमांक के अनुक्रम में पूर्व में जो 16-1625 पदों के लिए सहमति दी गई थी, उसी सहमति को समाहित करते हुए उसी को दोस्तों सम्मिलित करते हुए इसमें पदों में वृद्धि में कुल निम्नलिखित पदों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एवं अन्य कोविड-19 कार्य हेतु प्राप्त निधि के व्यावसायिक सेवा मद की राशि से आगामी 3 माह के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मानदंड एवं संविदा दर कलेक्टर दर पर 200 रखे जाने के सहमति प्रदान किया गया। मतलब जो 1600 यानी कि 1625 पदों के सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित पदों पर और जो है भर्ती किया जाना है, जो यह हर एक जिले में भर्ती होगा, जिले के अनुसार इसका नोटिफिकेशन आएगा हर एक जिले में, जिसमें है चिकित्सा अधिकारी के लिए 49 पोस्ट है, डेंटल सर्जन के लिए 25 पोस्ट है, आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए 50 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 31, स्टाफ नर्स के लिए 16-24, लैब टेक्नीशियन के लिए 614 और ANM के लिए 240, MPW के लिए 210, वाहन चालक के लिए 24, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 312 और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 15 और जो है चतुर्थ श्रेणी स्वीपर वार्ड व्यवसाय आय सुरक्षाकर्मी के 949 टोटल 4143 पदों पर जो है भर्ती किया जाना है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों हर एक जिले के अनुसार आएगा, हर एक जिलों में इसका जो है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा दोस्तों। तो यह जानकारी है, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करो। इस प्रकार से बम्पर भर्ती है ये स्वास्थ्य विभाग में, तो दोस्तों यह हर एक जिलों में प्रत्येक जिलों में इसके भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जिले के अनुसार इनका 4143 पदों को वितरित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो है, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।